हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन नेचुरल गैस क्लोज एट 370, लगभग 5 रुपए के लॉस के साथ 1.5% लगभग हम नीचे बंद हुए थे। यहाँ शुरू करते हैं एनालिसिस विद मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ के लॉस के बाद इस मंथ नेचुरल गैस नीचे के लेवल से बाउंस बैक कर रहा है और गेंस दिखा रहा है। इस महीने के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 10% के गेन के साथ, लगभग 34 रुपीज अप। इस मंथ का जो लो था वो था 336 और हाई था लगभग 400। तो ऑलरेडी हम जो है तो 64 रुपीज़ का रेंज देख चुके हैं और रेंज के ऊपरी भाग में हम ट्रेड कर रहे हैं। मंथली चार्ट पे जो है तो जैसे मैंने कहा, यहाँ हमने 20 मंथ के जो एवरेज था वह सपोर्ट लिया और अभी हम जो है तो 443 की तरफ बाउंस बैक कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ आपको डिप्स पे बाय करना है, आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 440। अगर 440 के ऊपर मंथली क्लोजिंग आती है तो हम अप ट्रेंड में चले जाएंगे। उस सिनेरियो में हमारे टारगेट रहेंगे 505 और उसके बाद में जो है तो 615 के टारगेट हमें नेचुरल गैस में दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ बुलिश दिख रहा है ऑन मंथली चार्ट नेचुरल गैस। तो यहाँ हमारा बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर मंथली व्यू और फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक हमने लगभग प्रॉफिट बुकिंग देखी थी 4% की, 15 रुपये नीचे बंद हुआ था नेचुरल गैस। इस वीक हमने जो 20 वीक का एवरेज है उसको सपोर्ट लिया और उसके ऊपर जो है तो पॉजिटिव क्लोजिंग दिए, लगभग 1.5% गेन के साथ 6 रुपये ऊपर बंद हुआ है इस हफ्ते नेचुरल गैस। तो ये अर्ली रिवर्सल साइन है और यहाँ जो है तो नीचे सपोर्ट लेने के बाद अभी नेचुरल गैस जो है तो शायद वह ऊपर जो 430 का लेवल है उसके तरफ बढ़ रहा है। तो ये पहला टारगेट रहेगा एज पर वीकली चार्ट आपको। यहाँ जो है तो यहाँ भी आपका बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखनी है। आपको बाय करना है नेचुरल गैस 340-350 के रेंज में, आपका टारगेट रहेगा 430 का और ये टारगेट कम से कम आने में आपको 7-8 हफ्ते लग सकते हैं। तो उस तरह से आपको ये पोजिशन लेनी है। ये स्विंग ट्रेड है या फिर मीडियम टर्म ट्रेड है। अगर हम 330 के नीचे स्लिप करते हैं तो ये ट्रेंड फिजल आउट हो जाएगा और यहाँ जो है तो फिर एक डीपर करेक्शन आ सकता है जिसमें नेचुरल गैस 270-230 के लेवल के तरफ जा सकता है। फिलहाल के लिए तो वैसे कुछ नहीं लग रहा अभी जो है तो प्राइस वाइज और इंडिकेटर वाइज नेचुरल गैस जो है तो बुलिश लग रहा है। तो यहाँ हमारा बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी रहेगी ऑन वीकली चार्ट ऑल्सो। तो हमने मंथली चार्ट पे देखा, वहाँ भी बुलिश लग रहा है, वीकली चार्ट पे भी बुलिश है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमने शुरुआत अच्छी की थी, ऊपर जो है तो 400 के टारगेट हमने अचीव किया। उसके बाद में एक डीपर करेक्शन आया फिर से जो है तो उसने पिवट और जो सुपर ट्रेंड था वहाँ सपोर्ट लिया और अभी फिर से जो है तो बाउंस बैक कर रहा है। तो ये बुलिश साइन है। यहाँ जो है तो डेली चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ लॉन्ग रहना है नेचुरल गैस में। आपका बाइंग जोन रहेगा 340 से लेकर 355 के बीच में, ये 15 रुपये के बीच में आपको एक्युमुलेट करना है नेचुरल गैस। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 335 के नीचे, टारगेट रहेगी आपके 400 और उसके बाद में 420। और अगर हम 420 के ऊपर निकलते हैं जो पिछला हाई था तो ऊपर जो है तो हम लगभग 465 तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ मेरा लॉन्ग व्यू रहेगा। डेली चार्ट भी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है मुझे नेचुरल गैस के लिए और यहाँ हम बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखेंगे फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो। और हमारा जो बाइंग जोन रहेगा वो रहेगा 340 से लेकर 355 के बीच में, स्टॉप लॉस 335, टारगेट 400-420, मैक्सिमम टारगेट जो रहेगा वो 465 का रहेगा। तो हमने डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा और मंथली चार्ट भी देखा। तो तीनों चार्ट पे बुलिश दिख रहा है और यहाँ मेरा मोस्टली लॉन्ग साइड पे ही व्यू रहेगा नेचुरल गैस में। शॉर्ट साइड आई विल अवॉइड शॉर्ट साइड। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगले वीक। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं विद लाइव सपोर्ट एंड फॉलोअप देन ज्वाइन माय प्रीमियम सर्विस, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।